अभी हमारे साथ हैं बाल व्यास आचार्य भूषण जी, और जो कि हमें बताएंगे कोटेश्वर महादेव के बारे में। तत्र कोटि सरालिंगा भूत छिन्ना उत्तमम तत्र मुक्ता पुरा विप्रा कोटिशो ब्रह्म राक्षस तत्र कोटि सरालिंगा भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला यह दिव्य धाम श्री कोटेश्वर महादेव सबसे पहले सभी लोगों की मनोकामना पूरी करे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा आप सब लोग, मैं हूँ रोहित और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो गाइज, मैं आज आया हूँ कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में, और यहाँ का मैंने बहुत बार ब्लॉग बनाया है पर मैंने आज तक कभी इसकी हिस्ट्री नहीं बताई है। सो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ इसकी हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी तक। तो एंड तक देखना ब्लॉग, क्योंकि मैं इसकी हिस्ट्री बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता होगी। तो चलो ब्लॉग इन्जॉय करो, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को कर देना लाइक। सो गाइस, ये देख सकते हैं, ये है कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, जो कि एक बहुत ही फेमस मंदिर है रुद्रप्रयाग का, और काफ़ी चर्चा का विषय रहता है हर बार बरसात में। तो देखो, यह है रुद्रप्रयाग का कोटेश्वर महादेव। सो गाइस, मंदिर के इतिहास को जानने के लिए हम बातचीत करेंगे बाल व्यास आचार्य भूषण जी के साथ, जो कि ज्योतिष गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं सिर्फ 20 साल की उम्र में। ये मेडल इनको तब मिला था जब ये शास्त्री कर रहे थे, और शास्त्री के द्वितीय वर्ष में जब ये हरिद्वार में थे तब इनको ये मेडल मिला था। और इनके पास 1,00,000 पुस्तकों का संग्रहण है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में। और चलिए, अब आप इनसे बातचीत करवाते हैं और ये हमको बताएंगे कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग के बारे में। सो गाइज, अभी हमारे साथ हैं बाल व्यास आचार्य भूषण जी, और जो कि हमें बताएंगे कोटेश्वर महादेव के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो बात करते हैं उनसे। तो व्यास जी, हमें बता दीजिए आप कुछ। जय जय श्री राधे। तत्र कोटि सरालिंगा भूत छिन्ना उत्तमम तत्र मुक्ता पुरा विप्रा कोटिशो ब्रह्म राक्षस तत्र कोटि सरालिंगा भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला यह दिव्य धाम श्री कोटेश्वर महादेव सबसे पहले सभी लोगों की मनोकामना पूरी करे, सबके लिए आशीष दे। और इस धाम का महत्व ये है कि यहाँ पे पांडवों पे भ्राति हत्या का पाप लग गया था, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये भ्राति हत्या का जो पाप होता है ये भगवान शंकर के प्रसन्न होने से दूर हो जाता है। अमांगल्य को दूर करने वाले मेरे शंकर, मेरे भोलेनाथ हैं। तो भगवान जैसे ही पांडव जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुँचे, तो भगवान शंकर ने कहा कि तुमने अपने सारे रिश्तेदारों को, चाचा ताऊ भाई दादा ननद सबको ख़त्म कर रखा है, इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता हूँ। तो भगवान शंकर आगे आगे गए और पीछे पीछे उनके साथ पांडव आए, और अंत में यहाँ पे पांडव पहुँचे, और पांडवों ने इस गुफा में भगवान शंकर के दर्शन किए। तो भगवान शंकर को जैसे ही उन्होंने स्पर्श करना चाहा, तो भगवान, जो ये प्राचीन गुफा भगवान शंकर की है, भगवान वहाँ से ऊपर चले गए। आज भी जब हम गुफा में धूप जलाते हैं तो वो धुआँ ऊपर पहाड़ी पर आता है जहाँ पर कि हमने ध्वजा लगा रखी है। और उसके बाद भगवान वासुकेदार में गए, यहाँ बेला में गए, वहाँ पे भगवान ने बेला का रूप रखा। भीम ने अपने टांग के नीचे से सारे भैंसों को भेजा, लेकिन एक भैंस आगे पीछे कर रहा था, तो उन्होंने सोचा यही भगवान शंकर हैं। उन्होंने पकड़ना चाहा, तो वो भैंस भाग के वासुकेदार चले गया, वासुकेदार वो उनके पीछे गए, वहाँ से वो भैंसा केदारनाथ चले गया, और केदारनाथ में जैसे ही पांडवों ने उसको पकड़ा, तो उसके इसीलिए केदारनाथ में भगवान के जो भैंसे का स्वरूप था उसके पृष्ठ भाग की पूजा होती है, और उसका जो आगे भाग है वो नेपाल पशुपतिनाथ में है, इसीलिए वहाँ का नाम भी पशुपतिनाथ कहा गया है। वहाँ पे संपूर्ण शरीर की, संपूर्ण शरीर का जो पूजन होता है वो केदारनाथ में होता, वो पशुपति नेपाल में होता है, और यहाँ पे जो है केदारनाथ जी में भगवान के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। ये कोटेश्वर मठ है, ये अनेक जरा मृत्यु व्याधि रोगों को दूर कर सकता है, यहाँ पे अनेक मनोकामनाएं पूरी होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस जिस कामना से लोग यहाँ पे आते हैं उनकी वो कामना पूरी होती है। पुत्र संतान प्राप्ति अगर किसी को नहीं हो रही है, तो संतान की प्राप्ति के लिए जो यहाँ पे रात्रि को त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि में जो मातृ जागरण का कार्यक्रम करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है।
जिनके काल सर्प दोष हैं, ग्रहण दोष हैं, चांडाल दोष हैं, यहाँ तक कि पितृ की मोक्ष के लिए भी यहाँ पे जो यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं उनका यज्ञ सफल होता है। ये गंगा माई का प्रभाव है। ये गंगा माई हर श्रावण में भगवान कोटेश्वर महादेव को स्वयं अभिषिक्त करती है। स्वयं ये गंगा माई जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि गुफा में स्वयं गंगा माई अभिषिक्त करती है। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा गंगा माई अपने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करती है और समस्त जन कल्याण का कल्याण करती है। जी बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी, और बहुत कुछ बताया है, और ये इतना तो मैंने आज तक कभी गूगल में भी नहीं पढ़ा है, तो थैंक यू आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय कोटेश्वर महादेव, जय गंगा माई, जय राधा माधव, जय नागराज सिद्धनाथ भगवान की जय हो, इष्ट कुल देवताओं की जय हो, हनुमान जी की जय हो, जय हो। सो गाइस बता दूं मैं, ये मंदिर है भगवान शिव को समर्पित, और माना जाता है कि जब भगवान शिव केदारनाथ जाते थे तो यहाँ पे से ध्यान करके जाते थे, और ये मंदिर है भस्मासुर के समय का, जो आपने देखा होगा, जिसको कि शिव से वरदान मिला था कि वो जिसके भी हाथ पे, जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो ये है भस्मासुर के समय का मंदिर। सो गाइस देख सकते हैं, और अभी हम जा रहे हैं नीचे। आज अच्छी बात यह है कि आज बहुत दिनों बाद धूप लगी है बरसात में, और आजकल वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। हालांकि आज शनिवार है तो आज उतनी भीड़ नहीं है, पर सोमवार को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है कोटेश्वर महादेव, और मैं आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो ये देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको नीचे, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस गुफा है और वो भी दिखाने वाला आपको, तो एंड तक देखना है यार बिल्कुल। सो गाइज अभी देख सकते हैं पानी कितना ऊपर आया है, और बरसात में माना जाता है कि हर बरसात में यहाँ तक पानी आता है, और हमने देखा भी है हर बरसात में, हालांकि उस टाइम हम यहाँ पे नहीं आते हैं। और ये देख सकते हैं, ये है यहाँ का कोटेश्वर महादेव, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो गाइस अब दिखाता हूँ मैं कोटेश्वर महादेव की गुफा, जो कि बहुत ही फेमस है। तो आओ चलते हैं, आपको ले चलते हैं कोटेश्वर की गुफा में। सो गाइस यहाँ है अंदर कोटेश्वर की गुफा। तो गाइस हर बरसात में यहाँ तक पानी जरूर आता है, कोई सा ऐसा बरसात नहीं है जब यहाँ पानी नहीं आया, और शिवलिंग तक वो पानी जरूर जाता है। तो ये भी एक भगवान की एक लीला है, जो कि यहाँ हर वर्ष पानी आता है, और ये देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक लगता है, देख सकते हैं। सो गाइस आपने देखी काफ़ी भव्य वो है गुफा, और काफ़ी सुकून, और ये देख सकते हैं हमारे नंदी महाराज यहाँ पे हैं, और इन सब शिवलिंगों में यहाँ पे पानी चढ़ाया जाता है। जितने भी ये फूल दिख रहे हैं आपको, ये सब शिवलिंग है, तो यहाँ पे चढ़ाया जाता है पानी। और अब चलते हैं बाहर। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, जब भस्मासुर को शिव ने वो वरदान दिया था कि तू किसी के भी सर पे हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, तो उसके बाद भस्मासुर ने क्या किया कि भगवान शंकर को ही उसने ख़त्म करने की कोशिश की, और उसके बाद उससे छिपने के लिए भगवान जगह जगह गए, और लास्ट में आए भगवान शंकर यहाँ पे। और जब भगवान शंकर यहाँ पे आए तो उन्होंने किया विष्णु जी का ध्यान, और भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी अवतारण धारण किया गया और भस्मासुर का अंत किया गया। और इसी प्रकार की पौराणिक कथानुसार श्रीखंड महादेव एवं किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा है। मंदिर में अद्भुत आभा एवं ऊर्जा को महसूस किया जाता है। शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंदें प्राकृतिक रूप से गुफा में विसाव के माध्यम से गिरती है, और यहीं से कुछ दूरी पर अलकनंदा नदी स्थित है। सो गाइस देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं ऊपर पे, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारे मंदिरों में पानी चढ़ाया जाता है, और यहाँ पे है शनि महाराज जी का मंदिर, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग शनिदान करते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं सूरज की किरणें जो पानी पे पड़ रही हैं वो काफ़ी सुंदर लग रही है अभी। और ऊपर चले जाएं तो देख सकते हैं यहाँ पे
बद्रीनाथ धाम की यहाँ पे आकृति बनाई गई है, चित्र आकृति। और आगे ऊपर ले चलो तो वहाँ पे भी बहुत सारी चित्र आकृति बनाई गई है, तो देख सकते हैं। और ऊपर से पानी आता है चट्टानों से, और यही यहाँ की खासियत है कि चट्टानों से लगभग पानी आता रहता है, चाहे यहाँ पे हो चाहे नीचे हो। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप चार धाम नंदा देवी राजजात की चित्र आकृति यहाँ पे बनाई गई है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये मंदिर लग रहा है। अभी जैसे आने के बाद मेन मंदिर में जाते हैं, वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। अब सुबह ये देख सकते हैं, यह है मेन मंदिर यहाँ का। और ये देख सकते हैं आप, यह है मेन मंदिर, और यहाँ पे भी देख सकते हैं पूजा अर्चना की जाती है। सो गाइस यहाँ पे है मेन परिसर, और यहाँ अंदर जिसको पूजा करवानी होती है वो अपना पूजा पाठ यहाँ पे अंदर करवाता है। इसकी भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, और यहाँ अंदर होती है पूजा। और यह है मेन मंदिर, और सबसे पहले जाते हैं नीचे, और नीचे के बाद पानी वानी चढ़ा के तब यहाँ पे आते हैं सबसे लास्ट में मंदिर। और इसके पीछे मिलता है प्रसाद, और ये देख सकते हैं अभी धूप खिल चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बहुत दिनों बाद ये धूप खिली है, मतलब सावन में बहुत कम ऐसा होता है कि जब धूप खिलती है, तो आज खिली हुई है। और काफ़ी अच्छी किस्मत है हमारी जो हम यहाँ पे आ जाए हैं, तो ये देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे होती है पूजाएं, मतलब जो ये बाहर से मैंने कमरा दिखाया उसमें होती है, जैसे लोगों को कोई भी पाठ करवाना हो, जब करवाना हो, उसके लिए होती है यहाँ पे पूजा। देख सकते हैं आप, अपने अपने पंडित लाने पड़ते हैं यहाँ पे। सो गाइस मैं बता दूँ यहाँ पे होती है दिन के टाइम पे भीड़, क्योंकि यहाँ पे गाँव से बहुत सारे लोग आते हैं। सो गाइस अभी भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे दिन होती है वैसे वैसे भीड़ बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे पूजा करवाने आते हैं बहुत सारे लोग दूर दूर से। और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये, और यह है अलकनंदा नदी जो कि निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लोग पानी चढ़ा रहे हैं, नीचे से पानी लाते हैं फिर यहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं जगह जगह पर। तो गाइस मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, ये हैं अभी गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और जो लोकल लोग हैं वो सुबह 4 बजे से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पीछे देख सकते हैं ये पीछे, और काफ़ी भीड़ है आज, और लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग गांव से हैं वो आज पूजा करवाने आते हैं। तो गाइस फाइनली पूजा खत्म हो चुकी है, तो होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।